नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बेसिक शिक्षा खबर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। 2000 मानदेय जो वृद्धि हुई है उससे अन्वेषकों में खासा मायूसी छाई हुई है। और दूसरी खबर है, शिक्षा मित्रों को भी मिलने वाला है बढ़ा हुआ मानदेय। किसने कहा, इस समाचार के माध्यम से जानेंगे। शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। पहले मुख्य खबर, मात्र 2000 की वृद्धि से अन्वेषकों में खासा मायूसी। अब मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। शिक्षा मित्रों को भी, शिक्षा मित्र के लीडर्स ने ये बात सोशल मीडिया पर वायरल की। सुप्रीम कोर्ट की फरकार, कहा 5,000 रुपए में शिक्षक रख कर कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाई जा सकती है। शिक्षा को मजाक ना बनाए प्रदेश सरकारें। बच्चों द्वारा बनाई फिल्में दिखाई जाएंगी स्कूलों में। पुनः स्वागत है साथियों आपका। अब खबर विस्तार से। अन्वेषकों को काफ़ी मायूसी मिली है 2000 की घोषणा सुनते ही साथियों, क्योंकि अन्वेषकों में पहले से भी उम्मीद थी कि उन्हें मानदेय 17,009% ब्याज के मिलेगा, लेकिन आज तक वो नहीं दिया गया। दिया गया तो सिर्फ अल्प मानदेय 2000 की वृद्धि की गई है, जिसकी घोषणा सुनते ही अन्वेषक परिवार में मायूसी छा गई। अब खबर आ रही है कि क्या कोर्ट का आदेश पालन करेगी सरकार भविष्य में, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हुए अन्वेषक। एक और खबर है, शिक्षा मित्रों को भी मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय। यहाँ पर बताना चाहेंगे, शिक्षा मित्रों के संगठन लीडर्स ने कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि शिक्षा मित्रों को भी मानदेय वृद्धि का लाभ मिल सकता है, सरकार उनके भी मानदेय में कुछ ना कुछ वृद्धि करने जा रही है। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब ये खबर कितनी सच है ये वक्त बताएगा साथियों, कि मानदेय शिक्षा मित्रों का भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो क्या उनका भी कुछ 2000 रुपये ही बढ़ेगा। चलिए अन्वेषकों की बात करते हैं। यहाँ पर ये बस्ती से खबर, परिषदीय स्कूलों में तैनात अंशकालिक अन्वेषकों और ससुइयों का आंदोलन रंग लाने लगा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी अन्वेषकों को समायोजित किए जाने पर निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन अन्वेषकों का 2000 और रसोइयों का 500 रुपये मानदेय बढ़ा दिया गया है। वहीं अन्वेषक व रसोइयों नए नाकाफ़ी मान रहे हैं इसे, लिहाजा रसोइयों ने 30 अप्रैल को BSA कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। साथ ही यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, समायोजन पर कोई निर्णय ना होने से अन्वेषकों में मायूसी छाई हुई है। परिषदीय अन्वेषक कल्याण एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 334 कार्यरत अन्वेषकों को प्रतिमाह 7,000 रुपये के मानदेय दिया जाता है, जैसा कि समस्त प्रदेश के अन्वेषकों को दिया जा रहा है, जो कि मौजूदा समय की महंगाई में काफ़ी कम है। सरकार से न्यूनतम वेतन 18,000 की मांग की जा रही थी, लेकिन शासन ने केवल 2000 रुपये बढ़ाया है। अभी शिक्षक पद पर समायोजन को लेकर न्यूनतम वेतन की मांग बाकी है। इस सरकार से पहले 8,400 रुपये मिलते थे, लेकिन भाजपा सरकार बनने पर अन्वेषकों का मानदेय घटा दिया गया और ज़िले के 354 के साथ साथ पूरे प्रदेश के अन्वेषकों का 1,430 रुपये मानदेय रिकवरी कर लिया गया, जो कि इतिहास में शिक्षा विभाग के लिए काला अध्याय कहा जाता है। जब तक अन्वेषकों की मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षा विभाग की एक और अन्य खबर, देश भर के स्कूलों में दिखाई जाएंगी बिजनौर के बेसिक के शिक्षकों की बनाई फिल्में। ज़िले की एक शिक्षिका व शिक्षक की फिल्म प्रदेश भर के स्कूलों में दिखाई जाएंगी। शासन के निर्देश पर शिक्षकों द्वारा बनाई गई 125 फिल्मों में से 2 फिल्म बिजनौर की चयनित हुई हैं। सामाजिक संदेश देने वाली ये फिल्म प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों में बच्चों को दिखाई जाएंगी। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए ये फिल्में बच्चों को दिखाई जाएंगी। लघु शैक्षिक फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का चयन हुआ था, उसका आयोजन किया गया था। प्रदेश सरकार ने इसी साल फरवरी में लघु शैक्षिक फिल्म निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की हुई थी। इसके अंतर्गत शिक्षकों से, शिक्षा एवं समाज के सरोकारों से जुड़ी फिल्म मोबाइल से शूट करके मंगवाई गई थी, जिस ज़िले के काफ़ी शिक्षकों ने भी सामाजिक संदेश देने वाली अपनी फिल्म शूट करके भेजी। शासन स्तर पर प्रदेश भर की 125 फिल्मों का
चयन हुआ है, इन 125 फिल्मों का मूल्यांकन करके 19 फिल्मों का चयन किया गया है। इसमें ब्लॉक हल्दौर के गांव खतापुर के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अंजिता रानी की फिल्म 11वें नंबर पर और कंभौर के शिक्षक डॉक्टर अतीक अहमद अंसारी की फिल्म 18वें नंबर पर चुनी गई है, जो कि ज़िले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश स्तर पर। शिक्षा विभाग की तरफ से ये गौरव हासिल किया गया है। यातायात नियमों पर आधारित अंजिता रानी की फिल्म काफ़ी पसंद की गई। इन फिल्मों में स्कूल के बच्चों ने अभिनय किया है, उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट आदि लगाने के फ़ायदे बताए। फिल्म को मोबाइल से ही शूट किया गया था और फिल्म का शीर्षक भी यातायात के नियम ही रखा गया है। इस फिल्म में बच्चों को यातायात के नियम समझाए गए हैं, जो कि प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक हैं। ज़िले की एक शिक्षिका व शिक्षक की फिल्मों का चयन शासन स्तर पर किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित की गई फिल्मों के ज़िले के स्कूलों में भी दिखाई जाएंगी। सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म देखने में बच्चों में जागरूकता आएगी, जयकरण यादव BSA का कहना है। और बड़ी खबर शिक्षा विभाग के लिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा 5,000 रुपये वेतन के शिक्षक रखकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है, ये सवाल किया है प्रदेश सरकार से और फटकार लगाई है समस्त प्रदेश सरकारों से, जो 5,000 7-7, 10-10 हज़ार रुपये में शिक्षक रखते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है। पिछले दिनों मुफ्त हज़ारों की योजनाओं को लेकर हर स्तर पर सवाल खड़े होते रहे हैं। राजनीतिक लाभ को ऐसी घोषणाओं को लेकर कोर्ट ने तीखे सवाल किए हैं। वहीं यह भी बहस की छिड़ गई है कि योजनाएं और कानून बनाने से पहले व्यापक जनसहस और उसके वित्तीय परिणाम पर चर्चा ज़रूरी है। अदालत ने पिछले दिनों ऐसी कई योजनाओं पर गंभीर आपत्ति जताई जो या तो जल्दबाजी में बनी या फिर वित्तीय कारणों से ज़मीन पर नहीं उतर सकी। शीर्ष अदालत ने हाल में शिक्षा के अधिकार मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर हर स्तर पर स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है तो कानून ही क्यों लाया गया। 5,000 रुपये वेतन के शिक्षक रखकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है। कोर्ट का यह भी कहना था कि कानून बनाने से पहले वित्तीय आकलन और व्यापक विमर्श जरूर किया जाना चाहिए था, तब जाकर ये निर्णय लेना चाहिए था। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार पर सरकारों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करेगा इन मानदेय कर्मियों का। सभी अन्वेषक शिक्षा मित्र मानदेय कर्मियों से हमारे चैनल की अपील है, एक शेयर के माध्यम से, मन ही मन को जानता मन ही मन की प्रीत, मन ही मन मानी करे मन ही मन का मीत, मन झूमे मन भावरा मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। हमें हारना नहीं है और आगे संघर्ष जारी रखना है व्यापक रूप से शांतिपूर्वक ढंग से संवैधानिक दायरे में रहते हुए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।